नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दुबई में, जो भी जनता है लेबर वर्क को छोड़ के, बाकी बहुत सारे लेबर वर्क भी, ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर या फिर कोई भी जॉब वाले होते हैं, रेंट से रहना पड़ता है। क्योंकि भाई खुद का तो खरीद नहीं सकते, बहुत पैसा लगता है, जॉब आपको करना होता है लिमिट समय के लिए। तो हम बात करेंगे किराएदारी कानून से रिलेटेड, अग्रीमेंट से रिलेटेड, कि आप समय से पहले कोई मकान या फ्लैट या छोड़ देते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है, तो उसका क्या प्रोसेस है, उससे कैसे बच सकते हैं और कैसे आप मकान मालिक के खिलाफ में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते। देखिए होता क्या है कि जो महामारी पेंडेमिक जैसे अभी चल रहा है कोरोना की वजह से या कोई भी वजह से, आप मान लीजिए कहीं पर भी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, अपने विद फैमिली के साथ हो सकते हैं, आपने एक अपार्टमेंट या फिर फ्लैट 1 BHK 2 BHK कितना भी बड़ा आपने ले रखा है, ठीक है जी, उसका आपने अग्रीमेंट कर रखा है भाई, 1 साल का 11 महीने का अग्रीमेंट होता है, सबको पता ही है। सोच करिए आप वहाँ 2-3 साल से रह रहे हैं, अग्रीमेंट आपका समय समय पे बढ़ता रहता है, अचानक से आपकी मान लीजिए जॉब चली जाती है या सैलरी आपकी कंपनी में हाफ हो जाती है किसी भी रीजन से, महामारी के दौरान कैसे भी मान लो, या जॉब खत्म हो जाता है या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ठप पड़ जाता है, आपको नुकसान हो जाता है या अदरवाइज कोई भी रीजन हो सकता है। जी हाँ, उस दौरान आपको ये लगता है कि यार अभी अपनी यहाँ पे पार नहीं पड़ने वाली है, अपन रूम रेंट नहीं दे सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर आप क्या करना होता है, आपका एक अग्रीमेंट होता है। आपको पता है कि दुबई में एक जो बता दूँ, दुबई टेनेंसी जो कानून है 2007, उसके हिसाब से एक आपका किराएदारी जो अग्रीमेंट बनता है, दोनों के बीच में एक समझौता होता है, उसमें पूरी लिखित में पूरी प्रक्रिया होती है। उस दौरान मान लीजिए आप बीच में वो छोड़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 2-3 महीने पहले छोड़ रहे हैं, तो अग्रीमेंट के हिसाब से तो आपका अग्रीमेंट 11 महीने का था, तो किराया पूरा लगेगा। हक भी यही होता है कि भाई आपने मान लीजिए मकान में 8 महीने बाद छोड़ रहे हैं, 3 महीने बच रहे हैं, 4 महीने बच रहे हैं, तो आप ये चाहते हो कि वो किराया मकान मालिक आपसे न ले, लेकिन मकान मालिक अग्रीमेंट के हिसाब से आपका किराया वसूल करने का पूरा अधिकार रखता है, ये प्रोसेस आ जाता है। उस दौरान आप क्या करें, क्योंकि दुबई का जो किराएदारी कानून है, टेनेंसी कानून 2007 की एक्ट अनुच्छेद 26 में बता दूं, 2008 में कुछ संशोधन हुआ था इसमें, कानून संख्या 26 एक्ट में, जी हां 33 में, दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि महामारी के दौरान, उसी में ये ऑप्शन होता है, महामारी के दौरान सिविल लेन देन पे 1985 एक्ट के तहत, जी हाँ 1985 की 5 एक्ट के तहत में ये प्रावधान लागू किया गया है कि भाई किराएदार और मकान मालिक अपनी तरफ से, दोनों अपनी तरफ से ये अग्रीमेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकते। जी हाँ, आप अपनी तरफ से भी ये नहीं कि भाई 11 महीने का है, 8 महीने में छोड़ रहे हैं, मैटर खत्म हो गया जी, आके किराया नहीं देंगे। मकान मालिक भी ऐसा नहीं कर सकता कि आपका अग्रीमेंट है, आपको 5 महीने होते बोलता है रूम खाली करो जी, आप निकलो यहाँ से, दोनों तरफ से ये सीमा है, उसको तोड़ नहीं सकते। जी हाँ, ये कानून दोनों लोगों के ऊपर लागू होता है। जी हाँ, आगे बात करें कि भाई एक्ट अनुच्छेद 19 में ये प्रावधान किया गया, भाई समय पे आपको किराया देना पड़ेगा, किराएदार को पूरा किराया देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर 51 अगर अनुच्छेद बता दूं, 50 अनुच्छेद 1 में अगर देखा जाए तो समय पे अगर किराया नहीं देते हैं तो आपको मकान मालिक वहां से निकाल सकता है। जी हाँ, उसके पास ये लिखित में ऑर्डर होते हैं, फिर वो नहीं बात चलती कि अभी 8 महीने हुए हमारे पास अग्रीमेंट है, वो मान्य नहीं होता। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई कि क्या इस महामारी में आपने उपरोक्त जो बातें की हैं उनमें क्या समाधान हो सकता है। जी हाँ, अभी बता दूं 2008 में जो संशोधन हुआ था उसमें ये बातें बताई गई थी कि कुछ महामारी में बदलाव अग्रीमेंट में पहले से किए होते हैं जिसमें समस्याएं, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी उपरोक्त जो प्रॉब्लम थी उसमें आपको समाधान करना चाहते हैं, आपके आप जुर्माना नहीं देना चाहते हैं, तो सीधा सीधा ऑप्शन है कि आप अपने मकान मालिक से आपको मिलना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी, उनको समझाना होगा, आपकी तनख्वाह दी हो गई या आपकी जो भी प्रॉब्लम हो गई उनको एविडेंस दिखाइए कि रियल में मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपकी जॉब चली गई है, आपकी सैलरी आधी हो गई, मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो लगभग चांसेस में मान लेते हैं कि भाई चलो ठीक है आप रूम खाली कर रहे हैं तो आपका किराया नहीं लेते। लेकिन फिर भी मान लीजिए कंडीशन कुछ क्रिटिकल होते हैं, कुछ हाफ माइंड के या फिर कैसे भी मान लो उनके पास अग्रीमेंट है, उस बेस पे वो जोर खाते हैं कि हम तो पूरा पैसा लेंगे, आपके पास जो पैसा हो या ना हो वरना मैं केस करूंगा, ऐसा कुछ वो धमकी देते हैं। इसके ऊपर फिर आपको एक्शन लेते हुए बता दूं, दुबई का जो लेबर लॉ है रेंटल डिस्प्यूट सेंटर, जी हाँ RDC से आप शिकायत कर सकते हैं, ये किरायानामा के पेश के आधार पर आपके पास जितने भी एविडेंस हैं, आपके जो भी लॉस हुआ है, आप तनख्वाह आप उनका किराया नहीं दे सकते, वो एविडेंस आपको विथ प्रूफ में आपको यहाँ पे RDC में जमा करवाने होंगे, रेंटल डिस्प्यूट सेंटर UAE में, जी हाँ, और वहाँ पे आपके मालिक के खिलाफ में आपको शिकायत देनी होगी कि भाई इस तरह से ये प्रॉब्लम है, मकान मालिक नहीं मान रहा है, तो वो फैसला फिर वहाँ से आएगा और लगभग आपके पक्ष में ही आता है। जी हाँ, बस यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।